A program sponsored by the Maya International School, innovative and refreshing new approach to education. Address: Dwarika Nagar, in front of Greenland Marriage Garden, Rewa. नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज 1 मार्च है, मध्य प्रदेश का बजट पेश हुआ है विधानसभा में। ये बजट पेश किया गया 3,14,025 करोड़ रुपए का। ये बजट कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात ये थी इस बजट में कि चुनाव के दृष्टिकोण से विपक्ष का आरोप है कि ये बजट सिर्फ और सिर्फ तमाम चुनाव जो आगे चुनाव है विधानसभा के उनको केंद्रित करते हुए किया गया। लेकिन इसके साथ ही जो महिलाओं के लिए ऐलान हुए, 12वीं में फर्स्ट डिवीजन आने पर जो ई इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हुई उसका जो ऐलान हुआ, 2023-24 का जो ये बजट है 3,14,025 करोड़ रुपए, जबकि पिछली बार 2,79,697 करोड़ रुपए का बजट था। जहां सत्ता पक्ष भाजपा का कहना है कि एक ऐतिहासिक बजट है, वहीं विपक्ष के अपने आरोप हैं। विपक्ष का कहना है कि मध्य प्रदेश पर कर्ज कितना है, जितने का बजट है उससे ज्यादा का कर्ज है। और परिस्थितियां ये हैं कि कर्ज का जो इंटरेस्ट है उसको पे करने के लिए भी सरकार को लोन लेना पड़ता है। इसी महीने 3 से 4 बार जो सरकार ने कर्ज लिया है उसको लेकर भी बोला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि विंध्य को क्या मिला। रीवा सहित ग्वालियर, जबलपुर, सागर में स्किल सेंटर शुरू होगा, बेरोजगार युवाओं को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। दरअसल रोजगार के मसले पर सरकार हमेशा चौतरफा घिरी है। 1,00,000 नौकरियां हम देंगे, पहले के अनाउंसमेंट जो थे। अब इसी बीच हुआ ये कि जब इन तमाम चीजों का जिक्र हो रहा था तो कमलनाथ ने आंकड़े दर्शा दिए। 90,00,000 बेरोजगार है मध्य प्रदेश में, 1 करोड़ हो गए हैं पिछले 1 साल में जो आंकड़ा बढ़ा है। इसको लेकर सीधे सीधे क्रिटिसाइज किया गया। विपक्ष ने इस पर आक्रामक हमला बोला, सरकार पर बायकॉट हुआ और टैब के माध्यम से यह बजट पढ़ा गया था। तमाम चीजों का जिक्र हुआ, किस तरह से लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए, लाडली बहना योजना के लिए महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देने का प्रावधान, 1,00,000 बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान। मध्य प्रदेश में रोजगार की स्थिति, सरकारी नौकरी की स्थिति सबको पता है। एमपीपीएससी के हालात आपको पता है, पीएससी की क्या स्थिति हो गई है, एग्जाम कैंसिल होना, फिर आरक्षण के मसले पर तमाम चीजें रुक जाना, तो परिस्थितियां ठीक है नहीं। लेकिन इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है तो युवाओं को भी ये उम्मीद है कि अब इस चुनावी साल में वैकेंसीज आएंगी, सरकार युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के हर वो प्रयास करेगी। लेकिन प्राइम फोकस बजट में बच्चे और महिलाएं रहीं। विपक्ष ने जो हमला बोला वो बहुत अलग था। कमलनाथ ने जो चीजें कही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर केंद्रित बजट है और झूठे वादों का एक पुलिंदा है। सरकार के अपने तर्क थे कि मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आकांक्षा योजना शुरू की जा रही है जिसमें जनजाति वर्ग के छात्रों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी, 23,00,000 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे, 8,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन 600 रुपए प्रतिमाह, समाज के वृद्ध एवं असहाय महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी, कन्या विवाह 55,000 रुपए हर बेटी को दी जाएगी, इसके लिए 80 करोड़ रुपए अलग से सैंक्शन किए गए हैं, किसानों को बिना किसी ब्याज के कर्ज देने के लिए बजट में 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। लेकिन बार बार सवाल यही खड़े होते हैं कि जो कर्ज माफी 2018 में कमलनाथ ने की थी उसको आगे क्यों बीजेपी ने नहीं बढ़ाया। मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिस योजना जो लागू की गई है, यूथ मैन पावर तैयार होंगे इससे, 60 करोड़ अनुसूचित जनजाति के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कहा गया है, धर्म को लेकर तमाम चीजें, धार्मिक स्थल सलकनपुर चित्रकूट जैसे तमाम चीजों पर बात की गई है। लेकिन इस पूरे बजट को अगर देखा जाए तो सबको ध्यान में रखना इसलिए भी सरकार के दृष्टिकोण से जरूरी था या जिस तरह इसके अनाउंसमेंट हुए, क्योंकि अब सरकार के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां हैं, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ऐलान कर रही है नए मेडिकल की सीटें बढ़ाना, मेडिकल कॉलेजेस आगे प्रपोज है जो खुलने हैं, स्कूलों का उन्नयन, सीएम राइज स्कूल, सब कुछ, शिक्षक कहां है, और लगातार जो नियमितीकरण के लिए मांग कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, इस पर सरकार क्या कर रही है, ये सरकार को सोचना होगा।
सारी चीजों का अनाउंसमेंट, लेकिन मैन पावर कितना है मध्य प्रदेश सरकार के पास? पुलिस बल में कमी, शिक्षकों की कमी, अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, हड़ताल चल रही है, सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर देने से जब तक उसका रनिंग मॉडल समझ में नहीं आएगा, कैसे चलाना है चीजों को, स्कूलों के हालात आपको पता होंगे कि मध्य प्रदेश में क्या स्थितियां हैं, कितने स्कूलों को बंद किया गया, मर्ज किया गया, सब कुछ। सीएम राइज स्कूल, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन परिस्थितियां क्या हुई, मैन पावर कहां है, जो लोग सालों से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, नई नियुक्तियां कैसे होंगी। मध्य प्रदेश स्तर पर देखा जाए तो कितने बड़ी हजारों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए, उस पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की कमी, रूरल बेल्ट में जाकर देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं का हवाला निकल चुका है, लेकिन सरकार ने कहा है कि सीटें बढ़ाएंगे, डॉक्टर्स बढ़ाएंगे। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है विकास, या फिर ये कहा जाए कि पूरे तंत्र को मजबूती के साथ रखना, संसाधन जुटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर सरकार का क्या विजन होगा। रेवेन्यू कहां से आएगा, क्या सरकार सिर्फ कर्ज लेकर ही विकास कर पाएगी। अब 1,000 रुपए जो महिलाओं के लिए घोषणा हुई है उसके एवज में पलट कर कांग्रेस ने भी कह दिया हम 1,500 रुपए महीने देंगे। क्या सरकार ने यह सोचा है कि किन संसाधनों से इन पैसों को इकट्ठा किया जाएगा, फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहां से वो पैसा आएगा। अगर 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ महिलाओं को देने की बात हो गई तो आप सोचिए कितना बड़ा वित्तीय घाटा होगा, कितना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, क्या चीजें बना रहे हैं। इन्वेस्टर समिट, तमाम चीजों का जिक्र हुआ, बाहर से लोग आएंगे मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे, मध्य प्रदेश में पैसा आएगा, आएगा कब। हर महीने एवरेज 3,000 करोड़ रुपए का अगर सरकार कर्ज ले रही है तो सोचिए मध्य प्रदेश के हर इंसान पर कितना कर्ज है। लेकिन सरकार के पास कोई कोर्स ऑफ एक्शन होगा, कोई प्लान होगा जिसके तहत तमाम चीजों को किया जाएगा। बजट में तमाम प्रोविजन है लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन को किस तरह से सरकार करेगी यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। चुनावी साल है, विपक्ष के आरोप हैं। आज ही सिलेंडर जो महंगा हुआ है, विपक्ष जब सदन में पहुंचा तो सिलेंडर लेके पहुंच गया था। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के सामने चुनौतियां रोजगार की भी हैं, शिक्षा की हैं, स्वास्थ्य की हैं, और मध्य प्रदेश कैसे कर्ज से बाहर निकलेगा, या फिर कैसे निवेश बढ़े, कैसे मध्य प्रदेश में संसाधन बढ़े, कैसे मैन पावर बढ़े कि हम ज्यादा से ज्यादा कुछ प्रोडक्शन यहां कर पाए और दूसरे राज्यों को, दूसरे देशों को दे पाए, ताकि यहां की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे दुरुस्त हो। विकास दर बढ़ी है मध्य प्रदेश की, ये कहा जा रहा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लेकिन प्रति व्यक्ति पर जो कर्जा हुआ है वो किसका है, सरकार उसे कैसे चुकाएगी, लोगों से टैक्स के रूप में चुकाएगी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में चुनौतियां अभी बड़ी हैं। चुनाव के दृष्टिकोण से तमाम चीजें अगर की गई हैं तो उसके बाद क्या, अगर सरकार रिपीट होती है तो कैसे इन चीजों को इंप्लीमेंट करेगी, और सरकार रिपीट नहीं होती तो विपक्ष क्या करेगा, जो फिर सत्ता में आने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए खुद ऐलान करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। बजट से बहुत उम्मीदें थी और बजट का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा ये मध्य प्रदेश की आवाम देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अ प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय द माया इंटरनेशनल स्कूल, इनोवेटिव एंड रिफ्रेशिंग न्यू अप्रोच टू एजुकेशन। एड्रेस द्वारिका नगर, इन फ्रंट ऑफ ग्रीनलैंड मैरिज गार्डन।